आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा एलिमेंट्स ऑफ फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर, फायर टेट्राहेड्रन एंड उसके बाद आग बुझाने तरीके, और आज हम सीखें रीइग्नाइट। जैसे कहते हैं, आपने कई बार सुना वो आग दोबारा भड़क गई, वो आग दोबारा कैसे लगती है, रीइग्नाइट कैसे होती है, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विजय दहिया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ टैकी गुरुकुल चैनल में। इस चैनल पे हम फायर सेफ्टी के बारे में कंप्लीट वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सारा सारा कब वटे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आग दोबारा कैसे लगती है, रीइग्नाइट कैसे हो जाती है, आग बुझा दी हमने फिर दोबारा से बढ़ जाती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लगती है, उसके पीछे साइंस क्या है, इस बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रिग्नेट कैसे होती है। हमारे सामने एक मोमबत्ती है और हमने इसको, इसकी फ्लेम है, इसको हमने बुझा दिया है। अब जैसे हम मोमबत्ती जो फ्लेम सोर्स है वो उसके ऊपर ले गए, उसने दोबारा से ऊपर से नीचे फ्लेम को दोबारा से कैच कर लिया और मोमबत्ती जलनी शुरू हो गई। हम इसको स्लो मोशन में देखेंगे तो जैसे ही उसके ऊपर सोर्स पड़ा तो वहाँ से आ गया। ये क्यों घटी, ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब हमने उसको फ्लेम को ऑफ किया हवा से या किसी भी तरीके से, लेकिन जो जहाँ पे वो मोमबत्ती के जो वेपर्स थे, मोम के जो वेपर्स थे, वो कंटिन्यू बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि वो गर्म थी, उसको ठंडा होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगर उसी दौरान उसको कहीं से फ्लेम सोर्स मिला तो उसने तुरंत इग्नाइट कर लिया, क्योंकि वो फ्लेमेबल वेपर्स अभी छोड़ रही है। तो इस वजह से जो हमारी फ्लेम जो कैंडल है उसने उसको रिग्नाइट हो गया। ऐसे ही हर फ्यूल के साथ होता है। अगर कोई मेटल में आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, उसको आपने बुझा दिया तो उसकी कूलिंग करनी बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वो दोबारा से आग भड़क जाएगी उसमें। और उसके पीछे जो लॉजिक हुआ, उसका लॉजिक सिर्फ यही है कि जो टेम्परेचर है उसका, जो उस प्रोडक्ट का है, वो अभी भी इतना है कि वो फ्लेम वेपर्स छोड़ रहा है, और जैसे ही उसको हीट सोर्स मिलेगा वो तुरंत पकड़ लेगा। तो इसलिए फायर फाइटिंग के बाद जो हमारी कूलिंग होती है वो थोड़ा देर चलती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ यही है, अगर जो उसका टेम्परेचर, उसको कूल डाउन करना और रीइग्नाइट वो फायर ना हो, उसके पीछे लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं आप कमेंट्स करके बताइए, हम अगला टॉपिक, हम अगला जो वीडियो टॉपिक है वो उसी के अनुसार लेकर आने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खत्म।